2023 कैसा गया, 2024 कैसा होगा, रायपुर में सबसे सस्ती और अच्छी पेन प्रोडक्शन फिल्म कहाँ होती है, वो भी हमारे यहाँ होती है। तो इस वीडियो को ना थोड़ा विवेक बिंद्रा जी की स्टाइल में इमिटेट करने की कोशिश करूंगा। हाँ, मेरे बच्चे जब देखते हैं ना ये, या मेरी वाइफ जब देखती है तो मतलब कहता है मेरे को लिटरली बहुत एम्बेसिंग। अभी मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ में क्यों बिका, इसकी हायतवा तो पाकिस्तान में चली जा रही है कि उतने देर में संदीप महेश्वरी भाई साहब ने विवेक बिंद्रा जी सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। 2023 कैसा गया, 2024 कैसा होगा, 24 कैसा होगा ये तो नहीं पता, बट 23 कैसा गया सब ने कहीं ना कहीं एनालाइज़ किया होगा कि ऐसा गया, ये चीज़ हमने मिस करी, वो चीज़ हमने मिस करी। 24 में नए रेजोल्यूशंस लेंगे, नए इनपुट्स करेंगे, ये सब करेंगे, बहुत सारी ब्ला 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 चीज़ें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2024, क्योंकि टुडे इज़ द फर्स्ट डे जब ये वीडियो रिलीज़ हो रहा है, जस्ट टू मेक द ईयर काउंट। अब रही बात 2023 की, इस वीडियो थोड़ा आगे बढ़ाने के पहले ना थोड़ा 2023 में रिकैप करते हैं कि हुआ क्या। मतलब बहुत अतीत में नहीं जाता हूँ कि 2023 के जनवरी में क्या हुआ और यार दिसंबर में क्या हुआ, बट अभी हाल फिलहाल की कुछ न्यूज़ है, सोचा कि अब आने वाले कुछ वीडियोस में ना एटलीस्ट उनको हाईलाइट करूँगा कि भाई देश में चल क्या रहा है, आजू बाजू चल क्या रहा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट प्रेमी हूँ मैं, आई एम फॉर्मली बिलीव कि मतलब कहते हैं ना एटलीस्ट 80% ऑफ द जनता जो भी हमारे वीडियोस देखती है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमी होगी। अब भाई मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ में क्यों बिका, इसकी हायतवा तो पाकिस्तान में चली जा रही है। वो लोग बार बार कह रहे हैं भाई एक मिचेल स्टार्क ही अकेला है जो 5 बार हमारा PSL करा दे। सो कहते ना ये पाकिस्तान में हवा चल रही है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट दैट कहते ना कैसे वो अपने खुद के लीग को ग्रो करें, कैसे खुद की कंट्री को ग्रो करें, वो उसी पर सर पटक के बैठे हुए हैं कि भैया ये क्या हो गया 24.75 करोड़ एक प्लेयर लेके चला गया। अब उसी के बाद में बस वो तो कहते ना बस उस ख़त्म ही हुआ था, हुआ भी नहीं है राधा। अभी भी आप क्रिक बज में देखेंगे तो उसमें कहते ना एक न्यूज़ है, डिकोडिंग द मिच स्टार्क परचेज ऑफ 24.75 CR। क्रिक बज एक ऐप है क्रिकेट की, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। वो ख़त्म ही भी नहीं हुआ कि उतने देर में संदीप महेश्वरी भाई साहब ने विवेक बिंद्रा जी जो कहते हैं ना मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको ये करके दूंगा कैशबैक गारंटी, 10 दिन में आपको MBA कर दूंगा। भैया संदीप महेश्वरी जी ने सही कहा, 10 दिन में ऐसा क्रैश कोर्स की ऊपर से कहते हैं जन्म घुट्टी पिला दो और आप MBA बन जाओ, उनके ऊपर स्कैम का केस हो कर दिया। केस नहीं किया उन्होंने तो, खाली कहते ना जस्ट अवेयरनेस फैलाई थी, तो खुद विवेक बिंद्रा जी ये कहते ना जस्ट ऐसे ऐसे कूदते कूदते आकर टपक गए कि भाई तू मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। बेचारे बिंद्रा जी इससे उभरे नहीं थे, जुम्मा अभी शादी हुई थी इसी दिसंबर में, शादी के 3rd दिन उनकी बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया और उन्होंने कर दी पुलिस में FIR। तो ये सब चल रहा है हमारे देश में, कहते ना बाहर की लड़ाई क्या देखें हमारे खुद के देश में कहते ना लड़ाई चलती रहती है, चाहे वो संदीप महेश्वरी वर्सेज कैरी मिनाटी हो, चाहे वो संदीप महेश्वरी वर्सेज विवेक बिंद्रा हो, या उनका इंटरनल डोमेस्टिक वायलेंस हो, या एट द सेम टाइम हमने किस प्लेयर को कैसे खरीद लिया। तो खैर अब चूंकि ये वीडियो उस रिलेटेड नहीं है जिस रिलेटेड मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ, ये रिलेटेड पेन प्रोटेक्शन फिल्म रिलेटेड है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की हमारे देश में कहते हैं ना ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो चल रही हैं। एक ज़माना था जब टाटा की गाड़ियों को ना कहते हैं मतलब दे वे नॉट एट पार इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और टेक्नोलॉजीज कंपेयर टू विज़ अदर ब्रांड्स दैट वे ऑफरिंग से। फॉर एग्जांपल आज के 10 साल पहले जो हुंडई ऑफर कर रही थी या मारुति ऑफर कर रही थी एंड ब्ला, बट अगर आज की सिनेरियो की बात अगर करूँ ये टाटा मोटर्स की जितनी भी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, सफारी की बात करूँ, हैरियर की बात करूँ, इवन टू सम एक्सटेंट एल्ट्रोस की बात करूँ, ये कहते हैं मारुति एंड हुंडई से बहुत ऊपर जा चुके हैं, बियॉन्ड इट। आज की ये जो टाटा सफारी है उसका जो इंटीरियर है मतलब राइट फ्रॉम द स्टेयरिंग व्हील टू द कंसोल टू द म्यूजिक यूनिट डिस्प्ले यूनिट, इट्स अल्टीमेटली ऑसम। बाहर का फील फैक्टर मस्कुलिन है, कहते हैं ना एक रोड पर आपकी प्रेजेंस फील कराता है। आप अगर रोड पे गाड़ी जा रही है, सामने में कोई पेडेस्ट्रियन अगर रोड क्रॉस करेगा तो उसके सामने ना कहते हैं ना एक हल्क आ रहा है, मतलब इस तरह की फील आती है। तो वेल नेवरदलेस अशोक पटेल जी की गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, गाड़ी खरीदी इन्होंने, आपने देखा कि कैसे हमने इसके रिबन कटिंग भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बस रिबन भी हम ही लोग ही काट रहे हैं, जो भी डेकोरेशन होके आई थी शोरूम से कन, इन्होंने स्ट्रेट अवे PPF के लिए गाड़ी दे दी। 5 साल वारंटी का PPF लगाया, दैट हैज़ बीन ऑफर्ड बाय पेंट गार्ड, दैट इज़ कमिंग विद 220 माइक्रोन, दैट इज़ अ सीरियस अमाउंट ऑफ थिकनेस दैट इज़ कमिंग विद पेंट गार्ड। तो जितना थिक माइक्रोन हो उससे क्या, सॉरी ये जो थिकनेस फिल्म है इससे क्या होगा, जो भी स्टोन चिपिंग्स है, एब्रेसिवनेस है,
तो वो हैंडल करने की ताकत जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए थैंक्स टू पेंगा टीम, मतलब दो मर कहते हैं ना, वो जब आए उनको लगा कि नहीं दिस इज द राइट प्लेस वेयर दे कैन शोकेस देयर प्रोडक्ट एंड आई एम द राइट पर्सन हु कैन अप्लाई देयर प्रोडक्ट। तो इस कार में अभी PPF एप्लीकेशन ऑलरेडी हो रहा है, आप देख रहे हो जैसे कि एप्लीकेशन हो जाने के बाद आपको ये कार में जो फाइनल वॉक अराउंड वीडियो है जो उस पर्टिकुलर कार का है, वो कार आपको अमेजिंग लगने वाली है। सो कूडोज टू पेंगा, कूडोज टू माई टीम। इस वीडियो को ना थोड़ा विवेक बिंद्रा जी स्टाइल में इमिटेट करने की कोशिश करूँगा। हाँ, विवेक बिंद्रा तो नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, रीज़न बिंग देर आर वेरियस रीज़न, आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ अ स्कैमस्टर, बट हाँ, बट बहुत बड़े आदमी है, बड़ा business.com उनका है, हमारा छोटा बिजनेस car360.in है। तो उन बस इमिलेट करने की कोशिश करूँगी कि विवेक बिंद्रा अगर होते तो इसका वीडियो कैसे प्रेजेंट करते। तो आपको मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ PPF कराने आइए, मैं गारंटी देता हूँ आपको 70-80 हज़ार रुपये में इससे अच्छा PPF हो नहीं सकता। अभी ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये टाटा हैरियर हमने करी है, ये जो टाटा हैरियर हमने करी है ना, आपको कोई भी दुनिया में कोई भी कहीं पे भी आप चले जाओ, सब लोग आपको कुछ भी बोल के लगा देंगे, बट मेरे यहाँ 70-80 हज़ार में भी मैं करके देता हूँ। और ये प्रोडक्ट के पीछे वारंटी देता हूँ, विवेक बिंद्रा जी वारंटी देते कि नहीं देते कैशबैक की, जो उन्होंने पूरा नहीं किया पता नहीं, बट हाँ जो ब्रांड मैं लगा रहा हूँ ब्रांड भी आपको वारंटी देगी। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गाड़ी को हमें कस्टमर को रिझाना पड़ता है कि आओ मेरे पास, आओ मेरे यहाँ PPF करो। कस्टमर को हम कैसे भी करके रिझा लेते हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ़ बना के हम PPF करते हैं। PPF करने के लिए क्या करना पड़ता है, कस्टमर से चलो बेवकूफ़ बना दिए, बेवकूफ़ बना दिया, अब कस्टमर की गाड़ी ले ली, कस्टमर से पैसा ले लिया, अब बस कुछ नहीं, थोड़ा सा केमिकल दिखा देते हैं कि ये देखो इससे आयरन चला गया, इससे ये हो गया, उससे वो हो गया, कुल मिला के गाड़ी को धो पोछ के ऐसे ही चकाचक करके लाके शोरूम में खड़ा कर देते हैं। मेरा जी सांस फूल गई मेरी, बच्चे जब देखते हैं ना ये, या मेरी वाइफ जब देखती है तो मतलब कहता है मेरे को लिटरली बहुत एम्बेसिंग हुआ था कभी कभी, ये जो मैं एनैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट क्या करूँ, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा जोकर बनना पड़ता है। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमें क्या करना है, कार का पेंट रिस्टोरेशन कोई भी नहीं करके देता, हम करके देते। कैसे करके देते भैया, सब करके देते भैया, पेंट रिस्टोरेशन उसके बिना PPF नंबर सेल, हम करके देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, ये लड़का घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, पेंट कटने की कोई गारंटी नहीं, पेंट कटने की कोई गारंटी नहीं, हम देते हैं गारंटी भैया आपका पेंट नहीं कटेगा जब हम पेंट रिस्टोरेशन करते हैं। पेंट रिस्टोरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पेंट रिस्टोरेशन बस खाली ऐसी चमका देना है और उसके ऊपर झिल्ली चिपका देना है 5 साल की वारंटी के साथ। तो जो झिल्ली है दैट इज पेंट रिस्टोरेशन फिल्म कमिंग अप विद पेंट गार्ड, और इसमें वारंटी जो है ना पेंट गार्ड देती है। खैर, हाँ मेरी सांस फूलने लगी, बिंद्रा जी आपको सत सत नमन, आप जो इतने एनर्जी से करते हो ना कि ऐसे ऐसे आगे पीछे गोरिल्ला टाइप जो करते हो, मैं इंसानों जैसे खड़ा हो जाता हूँ। तो खैर एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, अब इस कार में पेंट रिस्टोरेशन का टाइम है। पेंट रिस्टोरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में आपको मैंने बताया है, फिर से बताता हूँ पेंट रिस्टोरेशन के बारे में। वॉशिंग प्रोसेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस स्टिल थोड़ी सी साइंस इन्वॉल्व थी, वो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया, तो रिकैप नहीं करने वाला हूँ कि बिंद्रा स्टाइल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब पेंट रिस्टोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी एक दिन पुरानी गाड़ी हो, चाहे आपकी 6 महीने पुरानी गाड़ी हो, उसके ऊपर अगर जितने भी स्वॉल्स हैं सबको हटाना बहुत ज़रूरी है कि एंड ऑफ द जब फिल्म जब अप्लाई हो जाएगी तो वो जो ग्लॉस एंड शाइन किसकी आएगी, अंडर बॉडी की ही आएगी। तो अंडर बॉडी अगर शाइन कर रही है, अंडर बॉडी ग्लॉस कर रही है, इसका मतलब कि आपका पेंट रिस्टोरेशन परफेक्ट हुआ है, वही दिखाएगी जो उसके नीचे है। लास्ट वीडियो मैंने पेश किया था जिसमें मैंने टैग लाइन दिया था रायपुर मोस्ट एक्सपेंसिव पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है वो कहाँ होती है, हमारे यहाँ होती है। अब टू द वेरी कॉन्ट्रास्टिंग नोट ऑन द सेम वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम पब्लिश किया था, रायपुर में सबसे सस्ती और अच्छी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कहाँ होती है, वो भी हमारे यहाँ होती है। कोई भी गाड़ी हो, आप कोई भी गाड़ी लेके आइए, स्टार्टिंग एट 70,000 रुपीज़ फुल बॉडी प्रोटेक्शन विथ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म कमिंग अप विथ 5 ईयर वारंटी विथ वेरियस ब्रांड। हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम था, वी वेर ओनली हैविंग एवरी डेनेसन विथ अस, नाउ वी हैव गॉट पेंट गार्ड, वी हैव गॉट नाइट स्किन, वी हैव गॉट एवरी डेनेसन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एवरीथिंग ल्यूमर के भी हमारे पास सारे रेंज अवेलेबल हैं। सो वी आर द ओनली वन हैविंग कहते ना इस तरह वर्सेटाइल पोर्टफोलियो। सो नाउ आई कैन से वी आर द चीपेस्ट एट द सेम टाइम वी आर द एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कब, जब आप ऑन द कॉस्टलियर नोट ल्यूमर का वेलोर लगा रहे हैं। वेलोर इज जस्ट व्हाट शुड आई से, एक उनके प्रोडक्ट का नाम है जो कि 12 साल की वारंटी का जाता है। और रही बात अगर चीपेस्ट अगर बोलें, पेंट गार्ड की कमिंग अप विद 220 माइक्रोन्स, दैट टू एट अ कॉस्ट ऑफ से 70-80,000 रुपीज़ फॉर योर कार्स फॉर 5 ईयर्स वारंटी, दिस इज समथिंग ऑसम।